साल 2017 अब अलविदा कहने को है और 2018 दस्तक देने की तैयारी में है। और जैसे जैसे ये वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में नए साल के जश्न की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई है। विशेष रूप से सेलिब्रिटी लोग इसकी खास तैयारियों में दिख रहे हैं। जी हाँ, पंजाबी सिंगर JGB और हैरी आनंद नए साल के जश्न की पूरी तैयारी कर चुके हैं और आप भी हैं उनके फैन तो अभी से ही कर लीजिए उनके साथ इस नए साल के जश्न में शामिल होने की तैयारी। अगर आप म्यूजिक का शौक रखते हैं और खास तौर से JGB के पंजाबी तड़के की, तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए ही है। जी हाँ, JGB अपने प्रशंसकों के लिए नए साल पर जश्न की पार्टी करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद JGB और पंजाबी सिंगर हैरी आनंद ने दी। मौका था जब पंजाब के पॉपुलर सिंगर JGB और हैरी आनंद दिल्ली में अपने एक सॉन्ग के प्रमोशन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक और तो अपने सॉन्ग का प्रमोशन किया और साथ ही अपने इस सॉन्ग को लेकर उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने इस नए गाने के बारे में तो बताया ही, इसके अलावा उन्होंने नए साल के जश्न के बारे में भी बताया। दिल्ली में धमाका हो रहा जी, द थिएटर क्लब एंड लाउंज पश्चिम बिहार में जो रेड्स एंड ब्लू आ उत्थे मैं भी हाँ, हैरी बाई भी है, रल के जो 2017 है उन्होंने आप गुड बाय करना, 2018 पूरे बैंड वेलकम करना, वेलकम करना, परफॉर्म कर रहे हैं, भंगड़े पावे, थोनू भी नचावे। देखो जी 12 बजे बंब बजते हैं, भाजी का गाना आ रहा बंब, ऑलरेडी उन्हें पहले ही धमाका पा दिता है। जिन्हे मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हे मेनू मार सुटिया ओहो, लक पतला बलोरी ओदे नैण नैण, कन्नी चुमके होलारे ओदे लैण लैण, गल्लां करदी करदी शायद तो मिठियां, जिन्हे मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हे मैनू मार सुटिया ओहो। आपको बता दें कि मशहूर सिंगर JGB और हैरी आनंद इस समय अपने नए गाने को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसे उनके फैन काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसी के बारे में दोनों मशहूर सिंगर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने अपने इस नए सॉन्ग को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। और दोनों ही सिंगरों ने अपने अपने गानों की तारीफ करते हुए अपने गाने की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। वैसे एक दिन बैठे थे हम यार दोस्त सारे जिहड़े सज्जण मित्र बैठे यार, भी अक्सर जदों तुसीं कोई गाणा कढ़दे ना उहदे विच कमेंट्स आउंदे ने थल्ले, ओह कई वार पढ़न दा मौका मिलदा, अत गाणा इह गाणा इक उहदे विच काफ़ी आ रहा सी बंब गाणा, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਬ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੀ ਨਾਰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਇਹੀ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਐਂਡ ਹੀ ਕਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਫੰਕੀ ਇਸ ਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਥਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਬ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਟੋਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਬੰਬ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਟੋਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਕਾ ਦੌਰ ਥਾ ਵੋ ਰੀਮਿਕਸਸ ਕਾ, ਔਰ ਵੋ ਦੌਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਮੈਂ ਅਬ ਲੇਕਰ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ, उसमें क्या होता था पूरा गाना ही ओरिजिनल लेते थे उस टाइम पे जी, अभी हम अपना एक गाना क्रिएट करते हैं और दो चार लाइनें पुराने गाने की लेके थोड़ा सा फ्यूजन जैसा हो गया, तो रिमिक्स में कुछ फ्यूजन जैसा ला रहे हैं, सो बेबी तेरा फ्रॉड रोमांस में कमबख्त इश्क की लाइन ली है जी, एंड इट्स अ क्वर्की सॉन्ग, अच्छा है गाना, लोगों को पॉपुलर हो गया, चल रहा है, अच्छा लग रहा है। थीम बेसिकली इट्स जो आजकल चीटिंग चलती है थोड़ी मीठी मीठी वाली चीटिंग प्यार में, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बीच में, तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो एक मीठी मीठी चीटिंग चलती है, तो टीनेजर टर्मोइल बोल सकते हैं आप उसको, टीनेज टर्मोइल्स जो होती हैं, तो उसको दिमाग में रखते हुए ये गाना आइडिया आया। आपको बता दें कि भले ही पंजाबी सिंगर हैरी आनंद इस इंडस्ट्री में हाल ही में आए हैं, लेकिन उन्होंने कम समय में ही लोगों के बीच काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है। दूसरी ओर सिंगर JG भी इस इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है और उनके प्रशंसकों की भी बहुत लंबी फहरिस्त है, और इस बार वह अपने प्रशंसकों से अपने नए सॉन्ग बॉम्ब को लेकर खासा वाहवाही भी लूट रहे हैं। और आप भी उनके प्रशंसक हैं तो आपको इस नए सॉन्ग को एक बार जरूर सुनना चाहिए और नए साल के जश्न की तैयारी भी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपके हाथ से कोई मौका चूक ना जाए। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश कुमार के साथ
अजीत कुमार की रिपोर्ट।